हेलो गाइस, अगर आप भी बिना एटीएम कार्ड के फोन पे गूगल पे पेटीएम ईटीसी अगर यूज करना चाहते हैं लेकिन आपके बैंक अकाउंट का एटीएम कार्ड नहीं है जिसके कारण आप यूपीआई आईडी नहीं बना पाते हैं, उसके वजह से आप फोन पे गूगल पे पेटीएम इन तीनों एप्लीकेशन में से किसी एक एप्लीकेशन को यूज नहीं कर पाते हैं, तो आज के इस वीडियो में इसकी रियलिटी बताने वाला हूँ कि बिना एटीएम कार्ड के आप यूपीआई आईडी बना करके फोन पे गूगल पे पेटीएम इन तीनों एप्लीकेशन में से किसी एक एप्लीकेशन को अगर यूज करना चाहते हैं तो आप यूज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप अगर हमारे वीडियो में आए हैं तो नीचे एक लाल बटन है उसको दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी को दबा करके ऑल पे सिलेक्ट कर देना ताकि इसी रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अब मैं आ गया हूँ वीडियो के शुरू में, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि बिना एटीएम कार्ड के फोन पे गूगल पे पेटीएम ईटीसी से अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आपको इसको यूज कर सकते हैं कि नहीं है। YouTube के अंदर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सारे यूट्यूबर आपको बताते होंगे, सिर्फ और सिर्फ वो थोड़ी सी टीआरपी और थोड़ी सी व्यूज और थोड़ा सा सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए झूठी सी झूठी बात बता देता है और अपने सब्सक्राइबर्स को अपने व्यूअर्स को गुमराह और धोखा दे देता है। लेकिन मैं अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को धोखा में नहीं डालना चाहता हूँ, इसकी रियलिटी बताना चाहता हूँ कि आपके पास अगर एटीएम कार्ड नहीं है तो आप फोन पे गूगल पे पेटीएम इन तीनों में से किसी एक को यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो इसकी रियलिटी क्या है, अगर इन तीनों एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को यूज करना चाहते हैं और आपके पास किसी भी बैंक अकाउंट है लेकिन उसका एटीएम कार्ड नहीं है तो आप फोन पे गूगल पे पेटीएम इन तीनों में से किसी को यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन तीनों एप्लीकेशंस को यूज करने के लिए आपको यूपीआई आईडी बनाने की जरूरत है, यूपीआई पिन बनाने की जरूरत है तभी इन तीनों एप्लीकेशंस को आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप यूज नहीं कर सकते हैं। आपको बहुत सारे यूट्यूबर बताते होंगे वो सारे के सारे फेक वीडियो हैं और मैं अपने सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को फेक वीडियो नहीं दिखाना चाहता हूँ। हाँ, बगैर एटीएम कार्ड के यूपीआई पिन बनता है किस बैंक में, अगर आपके पास एचडीएफ बैंक अकाउंट है तभी बगैर एटीएम कार्ड के यूपीआई पिन बना करके आप फोन पे गूगल पे पेटीएम इत्यादि यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास एचडीएफ नहीं है उसके अलावा और कोई बैंक अकाउंट है तो आप बगैर एटीएम कार्ड के यूपीआई पिन नहीं बना सकते हैं। एचडीएफ में अगर आपका एटीएम कार्ड नहीं है तो आप यूपीआई पिन बना सकते हैं इस कंडीशंस में कि जिस नंबर से आपने फोन पे गूगल पे पेटीएम अकाउंट ओपन किए हैं वो नंबर आपके बैंक अकाउंट में ऐड होना चाहिए और वही मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, तब इस सिचुएशन में आप एचडीएफ बैंक अकाउंट में बगैर एटीएम कार्ड के यूपीआई पिन बना करके फोन पे गूगल पे पेटीएम इत्यादि यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जितने भी बैंक अकाउंट है अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो आप बिना एटीएम कार्ड के यूपीआई पिन नहीं बना सकते हैं जिसके कारण आप फोन पे गूगल पे पेटीएम यूज नहीं कर सकते हैं। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से इसकी रियलिटी पता हो गई और आज के बाद से YouTube के अंदर आप सर्च नहीं करेंगे और दूसरे यूट्यूबर की वीडियो भी नहीं देखने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपका टाइम लॉस होगा अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई और आपने इस वीडियो को देख लिया और सुन लिया। तो यहीं तक, तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल में नए हो तो नीचे एक लाल बटन है उसको दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर हमारी बात पे सच्चाई है, रियलिटी है, हकीकत है तभी सर्च करना, अदरवाइज आप बगैर सर्च किए हुए हमारे चैनल से जा सकते हैं।